तूफान और बारिश का कहर देखने को मिला। जहां छपरौली थाना के ठोड़ा गांव में तूफान और बारिश के कारण किशोरी की मौत हो गई। तूफान के दौरान रठोड़ा गांव में एक मकान की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 11 साल की लड़की नीचे दब गई, जिसकी आज निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक किशोरी का नाम अदिति है, जिसकी उम्र 11 साल है। कल रात बागपत में जबरदस्त तूफान आया था, जिसके दौरान एक मकान की दीवार गिर गई। हादसे के समय अदिति दीवार के पास मौजूद थी, जिससे वह दीवार के नीचे दब कर घायल हो गई। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। किशोरी की अकाल मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारी भतीजी की मौत हो गई, बहुत गम। तूफान की वजह से खेलने के लिए गई थी, घर से बाहर घर आने लगी थी, तो रास्ते में दीवार गिर गई तूफान में, तो इसी वजह से दीवार से ऊपर से गिरी, सिर में चोट ज्यादा लग गई, तो इसी वजह से फिर रेफर यहाँ छपरौली लेके गए हॉस्पिटल में। यहाँ से बड़ोदा रेफर किया, तो बड़ौत वालों ने दवाई दुवाई भी नहीं दी, कुछ भी नहीं, चेकअप हुआ थोड़ा बहुत ही, तो उसने फिर दिल्ली के लिए रेफर किया, तो वो नहीं जाने के बाद दम तोड़ दिया। ये कुमारी आदिति, उम्र करीब 10 वर्ष, पिताजी का नाम योगेश। ये जो है कल आंधी जो आई उससे जो है अचानक गली में इसके ऊपर ईंट गिर गई, गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको आस्था हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से दिल्ली के लिए ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। और आज जो है थाने पर जाके इन्होंने सूचना दी, तो उसके PM की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया, और यहाँ पर राजस्व की टीम को भी बुला लिया गया, और सारी जाँच करके वो लोग ले जा चुके हैं।